हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी एब्स एंड लोअर बॉडी फैट को कम करने के बारे में, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ 7 दिन के अंदर मेरी बॉडी में क्या रिजल्ट आया है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट हुई है और आप लोगों को उससे पता लग जाएगा एंड थोड़ी मोटिवेशन भी मिलेगी। ओके, सो ये मेरा अभी बॉडी फैट कम हुआ है 7 दिन के अंदर। एज यू कैन सी कितना, मतलब 7 दिन के हिसाब से काफ़ी सही रिजल्ट है, बॉडी फैट काफ़ी हद तक कम हुआ है। और ये देखो, एब्स पहले से ज़्यादा विजिबल भी हुए हैं। पहले मेरे एब्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं थे एंड पूरा देखो, तो मैंने वही 3 एक्सरसाइज फॉलो करी थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी एंड उन सब एक्सरसाइज के मैंने सिर्फ 3-3 सेट ही करे थे, ज़्यादा सेट नहीं करे थे। तो आपको 7-4 दिन का रिजल्ट दिखाया, अभी मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँगा। 7-4 दिन बाद दोबारा मिलते हैं। तो अभी मैं आपको अपना वर्कआउट दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा हमने उसमें चेंज करा, उसमें हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज ऐड करनी है जो कि हमारा ये वाला जो फैट है लोअर फैट, उसको वो और फास्ट बर्न करेगी। ठीक है, लेट्स सी, बैक भी चेक कर लेते थोड़ी। आई एम डैम श्योर अगर आप वीडियो फॉलो करोगे और मेरे को ऐसी कॉन्टिन्यूस वीडियो देखते रहोगे तो आपको मेरी प्रोग्रेस पर डे दिखती रहेगी एंड ऑल नेचुरल। सो लेट्स कम, एज यू कैन सी कितना अच्छा शेप आया चेस्ट का विद इन दिस 7 डेज, क्योंकि मैंने इन 7 दिन में चेस्ट की एक्सरसाइज 2 बार करी है, लेग्स की एक्सरसाइज 1 बार करी है, बाइसेप ट्राइसेप 1 बार करी है, शोल्डर 1 बार करी है एंड बैक मैंने 2 बार करी है। बिकॉज आई लव चेस्ट एक्सरसाइज, लेग्स एक्सरसाइज एंड बैक एक्सरसाइज। ये तो आज मैं आपको दोबारा से फैट बन के एक्सरसाइज बताऊंगा आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, हमें क्रंचेस करनी है ये। ठीक है, तो इसमें मैं सेम आज आपके साथ, मेरे को ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज हो जाएंगे एंड अभी आप लोगों ने मेरी फिजिक देखी ही होगी कितना ज़्यादा चेंज आया सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। अगर आप लोगों को भी ऐसे ही चेंज चाहिए अपनी बॉडी में तो प्लीज़ मेरे को ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो रखना। तो इस बार हमारा वर्कआउट थोड़ा सा चेंज होएगा, 3 एक्सरसाइज जो हमारी थी उसमें से एक हमारा ये क्रंचेज है, अभी ये ऐसे करना है हमें, 2 नीचे स्लो आना है हमें, स्लो ऊपर दम लगा के नीचे स्लो। हमें जो एक्सरसाइज चेंज हुई है वो मैं भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिसमें हमारा रैपिडली फैट कम होएगा। ये हमारा जो ये है ना लोअर बैली, यहाँ का फैट एकदम रैपिडली स्पीड में कम होएगा। ये पोजीशन है, इसमें आपको ये इसको कॉन्टिन्यूस करना है और ये 1 रैप है, ये 2 रैप है। इसमें आपका जो लेग है जितना आगे आएगा उतना बेनिफिशियल आपके लिए, इसको जितना आता उतना करना है, ज़्यादा ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, इसके भी आपको रेपिटेशन आप कर सकते हो, 10 से कम ना करो क्योंकि मैंने खुद 10 करे अभी। बाकी हमारी 3rd एक्सरसाइज आपको पता है लेग रेज है, लेट के आप कैसे लेट जाना है, उसके बाद लेटने के बाद लेग्स है, 1, 2, 3, 4, क्या मज़ा आता है। ओह, तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, अभी वर्कआउट मेरा हो गया है। मैंने आप लोगों को एब्स की एक्सरसाइज बतानी थी फैट कम करने की, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अभी मैं जाऊंगा हेयर कट लेने, आई होप मैं एक अच्छा सा हेयर कट ले पाऊँ। एज यू कैन सी मेरे बाल अभी बहुत मैसी हो रखे हैं चारों तरफ से, इधर ये देखो। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया आज का वर्कआउट, तो मेरे वर्कआउट को ज़रूर फॉलो करना। और अभी ये हेयर कट पूरा होने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ मैं हेयर कट कंप्लीट होने के बाद। वही हेयर कट कंप्लीट हो गया मेरा और ये देख सकते हो मेरा हेयर कट ये हुआ है, इन्होंने करा हेयर कट। हाँ, पहले मैंने साइड में 3 नंबर लगाया और बेज में 3 नंबर लगाया और ऊपर जो है मीडियम बाल करके इनके, और हेयर वैक्स लगाया, हेयर स्प्रे लगाया और इनको हेयर स्टाइल पसंद आ गया। थैंक यू सो मच, मैं बोल रहा हूँ।
हेयर आई एम, मेरा हेयर कट हो गया है। तो जो आप लोगों ने देखा होगा अभी मैं वर्कआउट जो आप लोगों को बता रहा था एप्स का वर्कआउट, तो मेरे बाल कैसे थे, मेरे को ये हेयर कट बहुत पसंद आया, एकदम नेचुरल एथेटिक लुक है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके सो मेरे नया स्ट्रेच मार्क्स आया बाइसेप पे, जो कि स्ट्रेच मार्क्स मेरे को पसंद बिल्कुल नहीं है, निशानी होती है, मेहनत की निशानी होती है स्ट्रेच मार्क्स। ओके गाइस, सो आज का व्लॉग खत्म होता है, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड हम फिर कुछ दिन बाद मिलेंगे, मैं अपनी प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तुम अपनी मेरे साथ शेयर करना, बाय।